शराब दुकान का विरोध इंदौर शहर में भी होने लगा है। इंदौर शहर के जिनसी क्षेत्र में महिलाओं द्वारा शराब दुकान का विरोध किया जा रहा है, जिसके विरोध में रहवासी क्षेत्र की महिलाएं मैदान में उतरी हैं और लाठी लेकर मोर्चा संभाला है। उसी को देखते हुए रहवासियों का कहना है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि क्षेत्र में महिलाओं को शराब की दुकान से परेशानी होगी, वहां पर शराब दुकानें नहीं खोली जाएगी। महिलाओं का कहना है कि अब अगर इस क्षेत्र में शराब की दुकानें खुलती हैं तो महिलाओं का निकलना मुश्किल हो जाएगा और यहां से बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शराब की दुकान यहां होने से शराबी शराब पीकर देर रात तक यहां पर हुड़दंग मचाएंगे। वहीं महिलाओं का यह कहना है कि जिस तरीके से घर में महिलाओं द्वारा बेलन चलाया जाता है, अगर शराब की दुकानें खोली गई तो महिलाओं द्वारा लठ भी चलाया जाएगा। आप लोगों ने यहाँ पे जो क्षेत्र में शराब दुकान खोलने वाली है उसका विरोध किया है, आखिरकार क्या विरोध है, क्यों शराब दुकान का विरोध किया जा रहा है? देखिए, ये रहवासी क्षेत्र है, यहाँ पास में स्कूल, कॉलेजेस, मंदिर, मस्जिद सब है। यहाँ की महिलाएं असुरक्षित हो जाएंगी अगर यहाँ पे कलाली खुल जाएगी तो। बच्चे और महिलाएं जो यहाँ पे आराम से घूम सकती हैं वो घूम नहीं पाएंगी, कितनों से झगड़ा करेंगी। यहाँ दारू पी के लोग नाटक करेंगे तो कितनों का झेलेंगी। यहाँ का वातावरण खराब होगा और इसी कारण से यहाँ कलाली खुलने का विरोध हो रहा है। और जैसे शिवराज सरकार ने और शिवराज सिंह चौहान ने बोला था कि जहाँ विरोध होगा वहाँ कलाली नहीं खुलेगी, तो इसलिए यहाँ विरोध हो रहा है और हम ये चाहते हैं कि यहाँ कलाली नहीं खुले। और हम प्रशासन से चाहते हैं कि वो हमको लिखित आवेदन दे, मतलब लिखित में दे ये चीज कि यहाँ कलाली नहीं खुलेगी, तभी ये हम जो धरना कर रहे हैं वो बंद करेंगे। लठ लेके क्यों आए आप लोग? जैसे बेलन चलाएंगे, अगर कलाली खुलेगी तो लठ भी चलेगी। घर में बेलन चलाएंगे, यहाँ लठ चलाएंगे। साक्षी शुक्ला डागा। शॉप पे आज आपका प्रदर्शन हुआ है, क्या कह रहे हैं इसके साथ? ये क्या है कि शिवराज सिंह चौहान की खुद की नीति है कि उन्होंने खुद नहीं बनाई है कि नशा मुक्त पूरा प्रदेश करना है, और उमा भारती भी इसमें आंदोलन में सहभागी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है और करती कुछ है। एक तरफ तो वो नशा मुक्त करने का अभियान चला रही है और दूसरी तरफ ये जिनसी जैसे घनी बस्ती में दुकान डालने का प्रयास कर रही है, और हम सभी लोग और क्षेत्र के नागरिक इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि यहाँ पर दुकान नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि आज से 15 साल पहले भी यहाँ पर कलाली खुली थी और उसको भी यहाँ के क्षेत्र की जनता ने विरोध करके हटाया था, और अब पुनः उसी जगह पर कलाली खुलने से बच्चों पर, महिलाओं पर और दूसरे लोगों पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि कलाली खुलने से अधिकतर शराब पी के लोग बैठा करेंगे और क्षेत्र का माहौल खराब करेंगे। आप ने कल भी प्रदर्शन करा था, अगर आपकी नहीं सुनी हुई तो आप फिर क्या करोगे आगे? अभी हमारे विधायक संजय शुक्ला जी से भी चर्चा हुई है और सब लोग मिलके, और हमारे शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकीवाल, पूर्व अध्यक्ष कृपा शंकर शुक्ला जी एवं हमारे प्रेम खड़ाचा जी और सभी कांग्रेस के जितने वरिष्ठ नेता लोग हैं, ये कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और मांग करेंगे कि ये घनी बस्ती है क्षेत्र में, यहाँ पर कलाली नहीं खोली जाए, और दूसरा आता भी खुल रहा है यहाँ पर, तो इसका सभी लोग विरोध कर रहे हैं और क्षेत्र के जनता मांग करती है महापौर से और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कि वो इस क्षेत्र में कलाली नहीं खोले। आपका परिचय? मैं अनिल शुक्ला, पूर्व पार्षद।